दोस्तों वेलकम टू अज़र यूसुफ चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको टूर कराऊंगा खंडाला के इंटीरियर्स का। एक छोटा सा विलेज है, छोटा सा गांव जिसे कहते हैं कुने विलेज है ये। और कुने विलेज में आपको थोड़ा सा घुमाऊंगा और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा विलेज। वैसे विलेज है लेकिन यहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज भी है, आई थिंक तुम यहाँ पर घर खरीद सकते हो। वैसे ये विलेज है लेकिन ऐसे कुछ कुछ मैंने सोसाइटीज जैसे बने हुए देखे, वो शायद जो मुंबई पुणे लोनावला यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए एक सेकेंड होम करके ये कंस्ट्रक्शंस भी चालू है देखिए। और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये, काफ़ी अच्छे। इस जगह का नाम है कुने विलेज, कुने पुणे का छोटा भाई कुने। और देखिए घुमाता हूँ आपको, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स बहुत है, बहुत जगह कंस्ट्रक्शन चालू है। ये एग्जैक्टली खंडाला और लोनावला के बीच में आप बोल सकते हो, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए तो ये है खंडाला। लोनावला के पहले ये जो खंडाला एरिया है वहाँ पे है हम। छोटी छोटी बस्तियाँ है, छोटा सा शहर है या गांव आप जैसा भी बोल लो, और कुने नाम है। यहाँ से डेला एडवेंचर ज़्यादा दूर नहीं है, इनफैक्ट डेला एडवेंचर आपको जाना है तो कुने विलेज में ही आपको आना पड़ेगा। डेला एडवेंचर, डेला विलास, डेला रिसोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको कुने विलेज में ही मिलेगी। देखिए छोटे छोटे से घर है, छोटी छोटी सी बस्ती है और विलास भी है। कुछ कुछ बहुत अच्छे अच्छे बंगलोज यहाँ पर बनाए हुए हैं। और बेसिकली यहाँ पर आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे। ओह धूप, अभी यहाँ पे 15-20 मिनट पहले बारिश हो रही थी और अभी धूप। हाँ तो मैं आपको बोल रहा था कि ये कुने विलेज में मैंने एक चीज़ नोटिस किया, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है ये कुने विलेज में आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे। एक तो ये छोटे छोटे बस्ती वाले लोग, जहाँ पे ये एक छोटा सा गांव है कुने नाम का, वहाँ पर आपको ये छोटी छोटी बस्ती वाले लोग मिलेंगे। और दूसरे आपको काफ़ी बड़े बड़े बंगले, काफ़ी बड़े बड़े विलास। आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे मुंबईकर्स, बहुत सारे पुणे या बहुत सारे यहाँ जो आसपास के शहर है उन लोगों का सेकंड होम है, क्योंकि सोसाइटी है तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और दूसरी तरफ विलेज है छोटा सा, जहाँ पे आपको छोटे छोटे बस्ती वाले लोग मिलेंगे। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है और काफ़ी अच्छी जगह है। इंटीरियर्स ऑफ खंडाला में है ये। आपको जो खंडाला का मेन हाईवे है, जो नेशनल हाईवे 48 है, वहाँ से आप एक टर्न आएगा नीचे की तरफ आओगे ना तो अंदर 4-5 किलोमीटर अंदर है। ऐसा है, कुछ उजड़ी हुई बस्तियाँ दिखी वहाँ पे और ग्रीनरी है हर तरफ। यहाँ पे शांति है, यहाँ पे पीस है। अगर यहाँ पे आप अपना सेकेंड होम लोगे ना तो मुझे नहीं लगता आपको पछतावा होगा। काफ़ी प्यारी जगह है। ये देखिए बंगले, और ये बहुत पुराने बंगले दिख रहे हैं वहाँ पे। ये तो नए हैं, वहाँ जो पीछे मैंने एक बंगला देखा वो बहुत पुराना था। यहीं पे कहीं शूटिंग पॉइंट और कैनियन वैली भी है, पर पता नहीं एग्जैक्ट लोकेशन। यहाँ पे मैंने जब लोकल से थोड़ी सी इंक्वायरी की तो उन्होंने बोला कि ये जो कुने विलेज है ना, यहाँ पे सुपरस्टार्स के बहुत सारे घर है। और इनफैक्ट यहाँ पे एक बंगला है जिसको शाहरुख खान बंगला कहते हैं, और वो पता नहीं वो शाहरुख खान का है नहीं शायद। वाओ क्या बंगले है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ का जो सीनिक व्यू है ना वो भी बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये जो गवर्नमेंट के खंभे दिख रहे हैं आपको, वो कितने मस्त है। और ये व्यू देखते देखते हम जा रहे हैं खंडाला की तरफ, एक्चुअली खंडाला के हाईवे की तरफ। खंडाला तो ये भी है, इंटीरियर्स ऑफ खंडाला है ये। आपको ये विलेज कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। क्या आप चाहते हो, क्योंकि मैं जैसे कि हम खंडाला जाते हैं, अगर आप खंडाला कभी भी घूमने आओगे तो आप ये
अगर आपका घर है इधर ठीक है, अगर आप डेला एडवेंचर की तरफ जा रहे हो तो ठीक है, वरना आप ऐसे राउंड मारने या ऐसे घूमने यहाँ पे आओगे नहीं। आप चाहते हो कि ऐसे छोटे छोटे विलेज मैं कवर करूँ जहाँ भी मैं जाऊँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ, मैं और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे विलेज कवर करूँगा। और हम काफ़ी हद तक आ गए हैं बाहर। छोटा सा पुल, नीचे से पानी बह रहा है, मस्त है ना ये जगह। में हवा भी बहुत अच्छी चलती है, जैसी ऐसी ऐसी जगहें होती है ना जो थोड़ी सी सेक्लूडेड होती है, थोड़े से इंटीरियर्स में होती है जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते, फिर वहाँ पे हवाएं भी अलग चलती है, वहाँ पे तुमको पोल्यूशन फ्री हवा मिलती है, वहाँ का मज़ा अलग होता है। ये कुने विलेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है दोस्तों। ये हो गया यहाँ पे ख़त्म। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा आपको बहुत बड़ा सा बोर्ड मिलेगा, 2.6 किलोमीटर अंदर है ये। आपको सारी चीज़ें चाहिए ना यहाँ पे, डेला एडवेंचर, डेला रिसोर्ट, डेला विलास, डेला डेटा, जो भी है ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको 2.5 किलोमीटर अंदर मिलेगी। और अंदर जाओगे तो बहुत घना जंगल है जो आपको कतलधारा वाटरफॉल या ऐसी जगहों पे लेके जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे रेम्बो चिक्की, छोटा सा गेट, नाजिर विला लिखा है यहाँ पे, और अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये गेट है। और अंदर तो मुझे कोई बंगला भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। शायद कई साल पहले यहाँ पे किसी का बंगला, किसी का विला हुआ करता था, नाजिर विला लिखा हुआ है, होता है ना, हर चीज़ वक्ती है, एक वक्त के बाद हर चीज़ को मिटना है। ये देखिए, ये है नेशनल हाईवे 48, और नेशनल हाईवे 48 से ये जो गाड़ी जा रही है, इस गाड़ी की तरफ आपको जाना है जो आप जाओगे कुने विलेज की तरफ। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। सामने कुछ खाने की चीज़ें हैं, खाने की जगह है जहाँ पे रेम्बो चिक्की लिखा हुआ है। यहाँ पे मगनलाल चिक्की बहुत फेमस है, रेम्बो चिक्की करके है वहाँ पे, छोटा सा एक फैमिली स्पॉट है। अब वहाँ पे जाता हूँ, थोड़ा खाता हूँ क्योंकि सुबह से खाया नहीं हूँ। आपको वो जगह देखनी है, चलिए वो जगह देख लो और फिर हम उस वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि वो अच्छा फैमिली स्पॉट है। अगर आप कभी खंडाला से लोनावला की तरफ आ रहे हो तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप रुक सकते हो। थोड़ा सा संभालना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे गाड़ी बड़ी स्पीड में चलती है दोस्तों। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे चिक्की भी मिलेगी आपको। ये है जगह, यहाँ पे मैं कुछ खाता हूँ गाड़ी पार्क करके, और बस मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। रेम्बो फूड पार्क है ये जगह, जहाँ पे आपको साउथ इंडियन, चाइनीज़ वगैरह हर चीज़ मिलेगी। देखता हूँ मेरे लिए क्या है।